हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई गुड न्यूज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग नेपाल जाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, अपने एमपीसी को नेपाल एमपीसी को अप्लाई किए थे, फॉर्म भरे थे कि हमको नेपाल जाना है या क्रूज जाना है या छुट्टी जाना है, उन सब के लिए एक लिस्ट जारी किया गया है, सबका नाम शामिल किया गया है। तो आप लोग अपना नाम भी देख सकते हैं, मैं एक लिंक दूंगा वीडियो के नीचे, आप लोग वहां जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम शामिल है या नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन के जरिए फॉर्म भरे थे, वो लोग परेशान थे कि हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन फाइनली आज एमबीसी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, उनमें सबका नाम शामिल कर दिया गया है, पासपोर्ट नंबर, एकामा नंबर, हर चीज उसमें दाखिल कर दिया गया है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो रियाद से 1887 लोगों का नाम शामिल हो गया है, और जो लोग दमाम से जाएंगे, दमाम एयरपोर्ट से जाएंगे, उनमें से 781 लोगों का नाम शामिल हो चुका है। आप लोग फटाफट जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट नाम पता सब देख सकते हैं, किनका किनका नाम शामिल हुआ है और कौन लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो देखने के लिए, अपडेट जानने के लिए। नेपाल एमबीसी की तरफ से आज ही अपडेट आया है कि जो लोग जाना चाहते हैं या जिनका कंपनी बंद हो चुका है, या जो लोग क्रूज लगवा चुके हैं या जो लोग छुट्टी लगवा चुके हैं, वो लोग जा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए पूरा अपडेट जारी कर दिया गया। उनका नाम, पता, एकामन नंबर, पासवर्ड नंबर, पूरा लिस्ट जारी कर दिया गया है, वो लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कहा गया है, नेपाल एमबीसी की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है, जिन लोगों का नाम शामिल हो गया है वो लोग थोड़ा इंतजार करें, वेट करें, बस थोड़ा ही दिन में, जैसा कि हफ्ते में 2-3 फ्लाइट जाती है नेपाल के लिए, उनके जरिए उनको भेजा जाएगा। अभी तो फ्लाइट का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, बस किस तारीख को ये फ्लाइट जाएगी इसका इंतजार करें आप लोग, और एमबीसी से हमेशा जुड़े रहे। अगर आपको कोई परेशानी होता है तो एमबीसी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं उसका नंबर भी दे देता हूँ, ताकि आप लोग उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज करके बात कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे कहते रहते हैं कि भाई मैं लिस्ट कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरा नाम शामिल है या नहीं है, तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे जाकर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट एमबीसी का जो लिस्ट है, चार्ट है, जो फ्लाइट का शेड्यूल आता है, वो चेक कर सकते हैं और किनका नाम शामिल हुआ है। तो बहुत अच्छी खबर है। और एक बात और बताता चलूँ, जो लोग छुट्टी पे गए हैं उन लोगों के वापसी के लिए अभी कोई इंतजाम नहीं है। जो लोग गए हैं उनका एकामा एक्सपायर हो गया या वीजा एक्सपायर हो गया है, तो अपने एमबीसी से या अपने कंपनी से कपिल से कांटेक्ट कीजिए, उनका जो वीजा एक्सपायर होने वाला है उनका भी टाइम बढ़ा दिया जाएगा। और जिन लोगों का एकामा का टाइम एक्सपायर होने वाला है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उनका 3 महीने के लिए फिर से बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। आप लोग इस वीडियो को कम से कम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके और अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। तो आज के लिए इतना ही सही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।